नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुडामेट 200 और बुडामेट 400 रोटा कैप यूज़ करने की तरीका, फायदे, दुष्प्रभाव और सावधानियां के बारे में। तो वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारियां आपको प्राप्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बुडामेट डॉक्टर के द्वारा लिखे जाने वाले दवा है जो ट्रांसकैप इन्हेलर के रूप में मिलता है। बुडामेट ट्रांसकैप एक कैप्सूल होता है जिसमें इन्हेल पाउडर होता है, जिसे मशीन के द्वारा इन्हेल किया जाता है। बुडामेट दवा का उत्पादक है लुपिन लिमिटेड और कंपोजिशन है फॉर्मोटेरोल और बोडीसोनाइट। बात करते हैं इसकी काम की, तो फैंस फॉर्मोटेरोल घटक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो फेफड़े की एक गंभीर बीमारी है, उसके करने के लिए ये दवा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये हमारी सांस नाली में जो रुकट होता है उसे ये साफ करता है और सांस नाली को चौड़ा बनाता है। और बुडेसोनाइट की बात करें तो ये एक कार्टिकोस्टेराइड नामक दवा है। ये हमारी एयर ब्लेस यानी नाक, गले, फेफड़े या अंत फुलावा और सूजन को कम करता है और आसानी से सांस क्रिया पूरी करने के लिए सहायता करता है। बुडामेट दवा का उपयोग इन बीमारियों को रोकथाम या ठीक करने के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे दमा के इलाज यानी सांस लेने की कठिनाई के इलाज में डॉक्टर ये दवा प्रेस्क्राइब करते हैं। अस्थमा के भी मरीजों को ये दवा डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। दीर्घ प्रतिरोधी फुसफुसी रोग के इलाज, फेफड़े कमजोर होने पर ये सांस लेने में दिक्कत, इतने अतिरिक्त व्यायाम, थकान या धूप पोल्यूशन के एलर्जी से सांस लेने में प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर ये दवा प्रेस्क्राइब करते हैं। COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के इलाज में डॉक्टर ये दवा उपयोग करते हैं। ये फेफड़े की एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में फेफड़े कमजोर हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। इस बीमारी के इलाज में भी डॉक्टर ये दवा प्रेस्क्राइब करते हैं। डोज की बात करें तो बुडामेट ट्रांसकैप के डोज अपनी डॉक्टर के सलाह अनुसार लेनी चाहिए। नॉर्मली एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को लेना होता है। ये दवा को एक डिवाइस यानी रोटा कैप मशीन से लिया जाता है और ये मशीन गाइस किसी भी मेडिकल स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं। बुडामेट कैप्सूल के मशीन के नाम है लूपी हिलर। बुडामेट ट्रांसकैप कैप्सूल से कुछ मामूली साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे तेज धड़कन महसूस होना, गले में खराश होना, नाक और गले का वायरल संक्रमण, सिर दर्द हो सकता है, कमर दर्द, नाक बंद हो सकता है, मलती या उल्टी हो सकता है, पेट खराब। लेकिन फैंस ये साइड इफेक्ट ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है और एक बार इलाज शुरू हो जाने के बाद धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। फिर भी अगर ये दुष्प्रभाव समाप्त नहीं हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बुडामेट ट्रांसकैप लेने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे अगर आप पहले से कोई ट्रांसहेलर या इनहेलर ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। किडनी, लीवर या हार्ट की मरीजों को ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूरी बात कर लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर अगर ये लेने की सलाह दे तो ही ले। तो फैंस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।